हेलो एवरीवन, दिस इज लिजी आर्क और आज हम लोग लॉस्ट आइलैंड के मैप में। सो हुआ ये हो कि एक्चुअली मैं इतना मॉड्स यूज़ नहीं करता हूँ, ज़्यादा भी बिल्कुल मीन्स ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। बेसिक जितने भी मॉड्स है जो कि गेम को एक्चुअली में सपोर्ट करने के लायक है, अगर मैं एस प्लस का बात करूँ तो स्ट्रक्चर के लिए बस यूज़ किया था, और उसके बाद ये बाइकिंग वाला यूज़ किया था क्योंकि ये मैं फ्यूडर खेल रहा था, तब मुझे लगा था कि इसका और बाइकिंग का कुछ रिलेशन है, तो मैं उसको इंस्टॉल कर लिया था। और उसके बाद एक और मैं कुछ किया हूँ ये स्ट्रक्चर का, तो ये तीन ही चल रहा था। बट क्या हुआ कि रिसेंटली मैं देख रहा था कि हम लोग अगर जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिनट दिखा देता हूँ मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। तो गेम में एक्चुअली सीजर्स हैं, और अगर मैं एक सीजर क्राफ्ट करता हूँ जिससे हम हेयर स्टाइल अपना खुद का चेंज कर सकते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि अगर मुझे हेयर स्टाइल अपने हेयर स्टाइल्स को चेंज करना है, उसके लिए गेम के बहुत अच्छे अच्छे टास्क हैं। कुछ कुछ हेयर स्टाइल्स ऐसे लिमिटेड है जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ तभी लिया जा सकता है। जैसे कि ये अगर मैं अपना हेयर स्टाइल खुद का काटता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि हेयर स्टाइल्स इतने सारे हैं बट सब लॉक हैं, और यहाँ पे तीन ही हेयर स्टाइल्स एक्चुअली अवेलेबल थे, रोमांटिक ब्रेड्स, और ये ब्रेड्स भी ज़्यादा अच्छा है बट शायद मेरे फीमेल कैरेक्टर को उतना शायद सही नहीं लगेगा। और उसके बाद लॉन्ग, ओह सो मेरे कुछ हेयर स्टाइल्स एक्चुअली में अनलॉक हो गए, और नहीं ये अनलॉक नहीं हुए, ये एक्चुअली क्या हुआ कि ये सब के हेयर स्टाइल्स नहीं, मैं बताऊँगा बाद में क्यों। यहीं तक थे ये जितने भी लॉक्स है, ये सब यूनिक टास्क के गेम के अंदर कुछ बोसेस को मारना पड़ता है, कुछ चीज़ों को अनलॉक करना पड़ता है, और उसके बाद आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये सब अनलॉक होते हैं। तो ये सब में एक्चुअली टास्क होता है, मींस मुझे हेयर स्टाइल शुरुआत से कुछ अलग चेंज करना था। तो क्या हुआ कि मैंने एक हेयर स्टाइल रिलेटेड मॉड इंस्टॉल किया था, तो अभी हम लोग उसी को चेक करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में ये हेयर स्टाइल कैसे काम करता है, और चेक करेंगे कि वो एक मिनट मेरा बाल गायब हो गए। यार बहुत अच्छे बाल थे वो वैलेंटाइन, यार और मैं ध्यान भी नहीं दिया एक्चुअली में, मैं सच में जल्दबाजी में अपने बाल कटवा दिया। तो अब ऑब्वियसली इनडायरेक्टली अब कहीं ना कहीं हम लोगों को अब अपना बाल चेंज करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि जो बाल होते हैं, बाल को एक्चुअली में ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, तो अगर चेक किया जाए जैसे कि ये है रोमांटिक, और हेयर लेंथ विल बी कट टू जीरो व्हेन चेंजिंग द हेयर स्टाइल्स। अगर एक मिनट क्या हुआ, मेरा ऑलरेडी हेयर स्टाइल शायद जीरो है इसीलिए वो दिखाना नहीं चाह रहा है, क्या मैं जान नहीं पा रहा हूँ। मीन्स मेरा हेयर स्टाइल जीरो हो गया तो पूरा गायब हो जाएगा। ओ बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, खासकर इस यूनिफॉर्म में तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। तो ठीक है, अब अगर इस सिचुएशन में आ गए तो चेंज कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं मॉड एक्चुअली इंस्टॉल किया था, उस मॉड के रिलेटेड क्या है कि इन लोगों का खुद का एक फीचर है, ये स्टाइलिश टेबल है, और स्टाइलिश टेबल मैं एक्चुअली अभी तक अनलॉक नहीं किया हूँ क्योंकि मैं खुद देखना चाहता था कि ये सब चीज़ कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसी के बाद तो चलो खोलते हैं इसको, अनलॉक करते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या नए नए हेयर स्टाइल्स दे रहा है और कैसे कैसे काम करेगा। तो ये है स्टाइलिश टेबल जिससे मैं भी हर टाइप के हेयर स्टाइल्स जितने भी, तो इस मॉड का नाम है मानी मॉड्स हेयर स्टाइल्स, मैं ये वर्कशॉप में इजीली अवेलेबल है और वहाँ पर मिल सकते हैं। तो एक मिनट ये गया कहाँ, ये रहा, और उसका रिसोर्सेज एक्चुअली में देखा जाए तो एक मिनट, मेरे पूरे बेस में कहीं पर भी वुड्स नहीं है सीरियसली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि ये ड्रॉप को मैं इतना पास में तो एटलीस्ट थोड़ा सा ड्रॉप लेके आ जाता तो सही रहता। चलो चेक करके आ जाते हैं और कुछ वुड्स भी कलेक्ट कर ही लेते हैं इसी बहाने। तो पहुंच गए हम, नहीं अरे यार कुछ ज़्यादा ही दूर जंप कर लिया मैंने थोड़ा। हाँ ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा गजब चीज़ दे दिया यार। तो मेरा एक्चुअली में बाल कट गया है, और मैं ये नोटिस किया कि हाँ अब मेरे पूरे सर पे एक भी बाल नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं मेरा बाल रिसेट हो गया, तो ऑब्वियसली अब मुझे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे करना है। तो हाँ ये तो है, हाँ 50 के आसपास ही चाहिए, ठीक है हो गया काफ़ी है, बाकी को मुझे वैसे भी वहाँ पर रखना ही पड़ेगा। तो एक स्टाइलिश टेबल बनाते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है एक स्टाइल चेंज करने में। तो मैं भी अब शायद अवेलेबल है, हाँ ठीक है, तो ये बन गया। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इन लोगों को अगर मैं इन्वेंट्रीज में ट्रांसफ़र कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी जैसे कि ये सब चीज़ें इन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ हेयर स्टाइल्स मेरे पास अभी भी यहाँ पे है, और जहाँ तक बात है इसका देखिए एक्चुअली में, सो ये देखा जाए तो अच्छा टेबल है, बट मैं इस टेबल को रखूँ कहाँ जहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर ना हो, मे बी नीचे जाना मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा शायद। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे,
हाँ स्मिति के पास नहीं, छोटा सा गया। ओ ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं आगे जाता हूँ, जैसे कि ये ब्लॉक हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, होप कि एक मिनट कुछ ज़्यादा पास भी नहीं हो गया, ठीक है। स्टाइलिश टेबल, स्ट्रेट पोजिशन, एंड थोड़ा सा अंदर और बाहर लग चुका है शायद। हाँ पूरा प्रॉपर जगह है। तो ये एक्चुअली एक स्टाइलिश टेबल है, और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्राउन स्किन, फैंटेसी क्राउन स्किन, फ्लावर डेकोरेशन स्किन, ये सब क्या है मैं जान नहीं पा रहा हूँ। मैं लाइक यहाँ पे एक सीजर को, ड्यूरेबल सीजर्स, और ये कौन सा फिर सीजर्स है, नॉर्मल सीजर्स, सीरियसली चेक किया जाए कि इसके और उसके बीच में डिफरेंस क्या है थोड़ा। मीन्स ये भी सीजर है बट यहाँ पे ड्यूरेबल सीजर्स लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या ये दोनों दिखने में सेम है? ये सीजर्स हैं, ये ड्यूरेबल सीजर्स हैं, तो मे बी ये मॉड का खुद का एक अलग टाइप का सीजर होगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पता कर लेंगे। यहाँ पे मुझे एक और भी आइटम दिख रहा है, ड्रेक फेदर स्किन, वो बट रॉक ड्रेक एक्चुअली में इसमें अवेलेबल नहीं है इस मैप में, तो यहाँ पे तो मैं शायद नहीं देख सकता हूँ। फ्योर्डर में अवेलेबल है, बट क्या हुआ कि मेरा जितना भी रॉक ड्रेक था सब बारी बारी से मर चुके हैं, तो मेरे पास अभी उसमें भी रॉक ड्रेक नहीं है। मे बी हम दूसरे रियल जब जा सकते हैं फ्योर्डर में, तो शायद उसको चेक कर सकते हैं ये कौन सा आइटम है। यहाँ पे अगर मैं कंज्यूमेबल्स देखूँ तो ये क्या है, हेयर ग्रोथ सीरम। ओके तो मैं थोड़ा 10-10 बना के रख लेता हूँ। भाई यार स्टीम बेरीज अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे भी स्टीम बेरीज, और यहाँ पे भी ये क्या है, हेयर जेल्स। आफ्टर कंज्यूमिंग टू स्टार्ट और स्टॉप योर हेयर ग्रोथ विल ग्रो विथ सर्वा। ओके और ये क्या है, बर्ड ग्रोथ, तो इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो। हेयर ग्रोथ सीरम हम लोग को जरूरत है, और हेयर जेल का शायद जरूरत पड़ सकता है। तो कुछ कुछ कैसे मैं बोलूँ, स्टीम बेरीज का जरूरत है, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर स्टीम बेरीज है। सो जस्ट एक स्विंग मार के मुझे बस आना है, और क्या आसपास में एक भी नहीं है। हाँ हो गया, कुछ स्टीम बेरीज और कुछ नार्को बेरीज जिनका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ का काम हो गया है, और अब यहाँ से निकलते हैं अंदर की साइड। अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इन हेयर स्टाइल्स का, और साथ ही साथ इन लोगों का। तो जितने भी स्टीम बेरीज थे हम यहाँ पर डाल देते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी कंज्यूमेबल्स है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो लाइक ये 10 ही बनाऊँगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फालतू का। और इसके बाद इनको भी 10 बना देते हैं। तो जब तक ये बन रहे हैं, बाकी चीज़ों को चेक करते हैं कि वो सर क्या क्या अवेलेबल है। एक मिनट, एक एक बार में दो दो बन रहे हैं, तो ये तो 100 ऐसे ही हो गया। छोड़ो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फैंटेसी क्राउन स्किन, सिट्स हायर ऑन योर हेड। और उसके बाद मैं भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पे फाइबर से काम होते हैं, तो हम लोग फाइबर कुछ इंतजाम यहाँ पे कर सकते हैं तब तक। ये मुझे सेम टू सेम वो उस मैप के जैसा लग रहा है जिसमें फ्योर्डर में मैं एक्चुअल में इंस्टॉल किया था, ताकि ये हेड पीस है। और उसके बाद फिर मैं नीचे से अगर जाऊँ तो सर्कुलेटर स्किन, बी स्किन, सी स्किन, डेकोरेशन फ्लावर, यहाँ पे वुल्फ, फैंटेसी क्राउन्स, फ्लावर डेकोरेशंस, एंटलर हेड पीस, एक मिनट ये बेटर है, स्पाइक्ड क्राउन, और ये क्या है, ए बी एंड सी, एंटलर ए। तो यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा चेक किया जाए, ये दोनों क्या है उस हिसाब से। और जहाँ तक बात है इस सीजर का, एक्चुअली में इसका ड्यूरेबिलिटी कहीं पे दिया नहीं गया, जबकि इसका ड्यूरेबिलिटी 40 दिया गया। तो हम लोग थोड़ा इनको चेक करने वाले हैं, ये कैसे लगेंगे। मे भी शायद मुझे यहाँ पे लाइट का ज़रूरत है, थोड़ा सा रोशनी के लिए, नहीं देखते हैं, मे भी यहाँ पे लाइट पोस्ट में कुछ अवेलेबल होगा। लाइट, लाइट लैंप, लैंप पोस्ट है, तो ये लैंप पोस्ट शायद फैब्रिकेटर्स में बनते हैं। और अगर मुझे एक लैंप पोस्ट बनाना है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो शायद एक ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद इसको
1 मिनट, सीरियसली? ओ, मुझे लगा था कि ये इतना भी ज़्यादा खास नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा स्पॉटलाइट बहुत अच्छा हुआ है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में वो दोनों चीज़ कैसे काम कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे दो चीज़ मिला है, एक एंटलर हेडसेट मिला और 1 मिनट, ये हाथ में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन लोगों का स्किन नहीं है इसलिए। 1 मिनट, अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ तो हाँ, मुझे जैसा कि फील हुआ था। तो ये एक्चुअली में क्या है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ। ये एक एंटलर है, हेड पीस मेड फ्रॉम डियर एंटलर्स एंड फ्लावर्स, और ये हेडसेट मेड फ्रॉम एंटलर्स। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे देता हूँ, सो ओके, कुछ ज़्यादा ही फालतू लग रहा है। और इसके अलावा ये क्या है, क्या हो ये हाथ में? नहीं, तो अगर मैं इसके स्किन को निकाल देता हूँ, सो ये एक्चुअल में इस टाइप का है। हाँ, तो ये किसी काम का नहीं अगर सच बात बोलूँ तो। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि ये नहीं बना के हम लोग डायरेक्ट सीजर चेक करने वाले हैं कि सीजर एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। यहाँ पे ओ, तो वही है, जितना भी मीन्स नीचे का हेयर स्टाइल्स है वो सब कन्वर्टिंग है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी चेक करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये सब हेयर स्टाइल्स कैसे कैसे हैं। अगर मैं थोड़ा, अरे यार, मेरे को लगता है मेरा पहले तो बाल बढ़ाना पड़ेगा पोषण से। क्या पोषण इतना हेल्प कर पाएगा जिसमें मेरा बाल अचानक से बढ़ जाए फुली ग्रो? ओके, एक कंज्यूम, और क्या मेरा बाल आ चुका है? क्या हुआ यार, बाल तो आया नहीं। ओके, शायद मुझे एक हेयर स्टाइल चूज करना चाहिए था पहले तो। एक मैं लॉन्ग पोनीटेल तो मैं करके रखा हूँ, तो फिर आया क्यों नहीं अभी तक बाल बिल्कुल भी? नहीं, मैं अपना हेयर लेंथ चूज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी हंटर का अगर लोकेशन है तो नहीं, यूज दिस टू फुली ग्रो आउट योर हेयर ना। एक्चुअली मैं वो काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और ये हेयर मेरा बढ़ क्यों नहीं रहा है, लाइक बिल्कुल भी साइज बढ़ना ही नहीं चाह रहा है वो, तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। और अगर ये काम नहीं करेगा, पहले तो मैं इस हेलमेट को निकालूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद कुछ ग्लिच हो गया जिसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। मुझे लग ही रहा था, मीन्स मैं अपना हेलमेट खोल दिया हूँ तब भी वो ऐसे के ऐसे ही अटक गया। तो ये है, और अगर मैं उसके बाद हेयर जेल जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, अगर मैं हेयर जेल भी ट्रांसफ़र करता हूँ तो ठीक है। ज़्यादा ही हेयर स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल थे, और मैं सीरियसली मैं चाहता था कि इनमें से किसी एक में अपने आप को एटलीस्ट चेंज कर सकूँ। क्या किया जाए? तो ये मॉड एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, और मैं ध्यान नहीं दिया मेरे साथ चल क्या रहा है। मैं बहुत कुछ ट्रांसफर करने का कोशिश तो किया हूँ, तो ये किस टाइप का ग्लिच है? मेरा ऊपर ग्लासेस चल रहा है जबकि मैं ग्लासेस उतार चुका हूँ, यहाँ पे अभी भी ऐसे दिखा रहा है। अगर मैं इसके स्किन्स को निकालता हूँ, ये रहा, उसके बाद अगर मैं इसको पहनाता हूँ, और अगर मैं अपने हाइड कर देता हूँ इसको, सो अभी भी नहीं। तो ये एक्चुअली में ये मॉड काम ही नहीं कर रहा है। मीन्स मैं जितना जल्दी एक्चुअली मैं अगर हटा दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा गेम को भी प्रेशर देके फ़ायदा नहीं है। मैं ट्राई किया, दो तीन चेंज करने का कोशिश किया,
बट ये बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो हम क्या करेंगे कि जो बेसिक हेयर स्टाइल है अब वापस से उसको वैसे ही रख देंगे। और मुझे लग रहा है कि ये वाला ना लेके मैं अगर नॉर्मल सीजर से काम करता तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग बेसिक पे वापस चले जाते हैं जिसके बदौलत एक्चुअली मैं अभी तक चल रहा था। मैं इसी को कोशिश करूँगा अभी फुल करने का, एक्सेप्ट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, ताकि अगली बार जब बाल वापस पूरे आएंगे तो वो नॉर्मल हेयर स्टाइल्स में रहेगा और ये स्मार्ट पे वापस नहीं आना है। तो इसको मैं पहले जाके अनसब्सक्राइब कर देता हूँ ताकि और मेरे बाकी गेम्स के जितना भी प्रोग्रेस है उस पर ये ना करें। पता नहीं हुआ क्या, मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ इसमें किया हूँ। एक मिनट, इसके हाथ में ग्लासेस कैसे आए? ये मॉड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ग्लिची है, तो जितना जल्दी अगर मैं हटा दूँगा तो सही रहेगा। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था मेरा, जस्ट एक नए मॉड को लेके मैं कोशिश कर रहा हूँ नए नए मॉड्स के बारे में जानने का। लाइक ये नहीं कि गेम के प्रोग्रेस रिलेटेड कि मैं हर गेम को एक्चुअली में ईजी करने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट कुछ अपीयरेंस जो कि चेंज कर सके गेम्स में खेलने लायक हो, उन चीज़ों को बस चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये सब देखने में अच्छा लगे। उसके अलावा और कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो फिर ये वीडियो एक्चुअली यहाँ पे बंद करते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट पूरा फेल हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।